अब जौनपुर से एक बड़ी खबर देते हैं, 150 जमातियों में से 97 पर FIR दर्ज की गई है। बड़ी खबर आपको जौनपुर से दे रहे हैं हम, आप 150 जी 150 जमातियों में से 97 पर FIR दर्ज की गई है। 14 बांग्लादेशी, 1 नेपाली, बाकी सभी प्रदेशों से इसमें है। और इनमें दो जो है कोरोना पॉजिटिव हैं, बांग्लादेश और झारखंड का जमाती कोरोना पॉजिटिव है। तो ये बड़ी खबर आपको दे दें, 150 जमातियों में से 97 पर FIR दर्ज कर ली गई है और इसमें विदेशी जमाते भी शामिल हैं जो आए तो टूरिस्ट वीजा पर थे लेकिन यहाँ पर मिशनरी वर्क कर रहे थे। हालांकि ये सीधा सीधा हमारे जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उनका फेलोर है, ये गवर्नमेंट का फेलोर है। वो इसलिए क्योंकि हमारे देश में कौन किस काम के लिए आया है और वो क्या काम कर रहा है इसकी निगरानी रखना सरकार की और उनकी एजेंसीज की जिम्मेदारी थी, तो ये सीधा सीधा उसका फेलोर भी है पहला। दूसरा, जो जमाती है उन पर एक्शन लेने की एक्शन जो लिए जा रहे हैं इसके पीछे की वजह लगातार बढ़ते कोरोना केसेस ही हैं और उसमें इनका जो योगदान है वो बहुत ही ज़्यादा है, आधे से ज़्यादा इनका योगदान है। ऐसे में इसको बहुत सख्ती से लिया जा रहा है क्योंकि लॉकडाउन था, धारा 144 थी, उसके बाद भी एकजुट हुए थे। अब जौनपुर से एक बड़ी खबर देते हैं, 150 जमातियों में से 97 पर FIR दर्ज की गई है। बड़ी खबर आपको जौनपुर से दे रहे हैं हम, आप 150 जी 150 जमातियों में से 97 पर FIR दर्ज की गई है। 14 बांग्लादेशी, 1 नेपाली, बाकी सभी प्रदेशों से इसमें है। और इनमें दो जो है कोरोना पॉजिटिव हैं, बांग्लादेश और झारखंड का जमाती कोरोना पॉजिटिव है। तो ये बड़ी खबर आपको दे दें, 150 जमातियों में से 97 पर FIR दर्ज कर ली गई है और इसमें विदेशी जमाते भी शामिल हैं जो आए तो टूरिस्ट वीजा पर थे लेकिन यहाँ पर मिशनरी वर्क कर रहे थे। हालांकि ये सीधा सीधा हमारे जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उनका फेलोर है, ये गवर्नमेंट का फेलोर है। वो इसलिए क्योंकि हमारे देश में कौन किस काम के लिए आया है और वो क्या काम कर रहा है इसकी निगरानी रखना सरकार की और उनकी एजेंसीज की जिम्मेदारी थी, तो ये सीधा सीधा उसका फेलोर भी है पहला। दूसरा, जो जमाती है उन पर एक्शन लेने की एक्शन जो लिए जा रहे हैं इसके पीछे की वजह लगातार बढ़ते कोरोना केसेस ही हैं और उसमें इनका जो योगदान है वो बहुत ही ज़्यादा है, आधे से ज़्यादा इनका योगदान है। ऐसे में इसको बहुत सख्ती से लिया जा रहा है क्योंकि लॉकडाउन था, धारा 144 थी, उसके बाद भी एकजुट हुए थे। अब जौनपुर से एक बड़ी खबर देते हैं, 150 जमातियों में से 97 पर FIR दर्ज की गई है। बड़ी खबर आपको जौनपुर से दे रहे हैं हम, आप 150 जी 150 जमातियों में से 97 पर FIR दर्ज की गई है। 14 बांग्लादेशी, 1 नेपाली, बाकी सभी प्रदेशों से इसमें है। और इनमें दो जो है कोरोना पॉजिटिव हैं, बांग्लादेश और झारखंड का जमाती कोरोना पॉजिटिव है। तो ये बड़ी खबर आपको दे दें, 150 जमातियों में से 97 पर FIR दर्ज कर ली गई है और इसमें विदेशी जमाते भी शामिल हैं जो आए तो टूरिस्ट वीजा पर थे लेकिन यहाँ पर मिशनरी वर्क कर रहे थे। हालांकि ये सीधा सीधा हमारे जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उनका फेलोर है, ये गवर्नमेंट का फेलोर है। वो इसलिए क्योंकि हमारे देश में कौन किस काम के लिए आया है और वो क्या काम कर रहा है इसकी निगरानी रखना सरकार की और उनकी एजेंसीज की जिम्मेदारी थी, तो ये सीधा सीधा उसका फेलोर भी है पहला। दूसरा, जो जमाती है उन पर एक्शन लेने की एक्शन जो लिए जा रहे हैं इसके पीछे की वजह लगातार बढ़ते कोरोना केसेस ही हैं और उसमें इनका जो योगदान है वो बहुत ही ज़्यादा है, आधे से ज़्यादा इनका योगदान है। ऐसे में इसको बहुत सख्ती से लिया जा रहा है क्योंकि लॉकडाउन था, धारा 144 थी, उसके बाद भी एकजुट हुए थे।